और वो खबर उसके जीजा को पड़ी वो जीजा भी वही सिटी में रहता था वो धन्ना धन्ना को पता चला वो धन्ना को एक बार उसकी पत्नी स्नान करवा रही थी आठ पत्नी थी धन्ना की भी और वो जब स्नान करवा रही थी तो उसमें सुभद्रा भी थी जो भद्र की बहन थी और उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो आंसू धन्ना की पीठ के ऊपर पड़ा और जैसे ही आंसू का जो स्पर्श होता है वो गर्म होता है जैसे ही गर्म स्पर्श की अनुभूति हुई उसने ऊंचा देखा तो वो सुभद्रा रो रही थी वो धन्ना ने कहा कि तू क्यों रो रही है किस चीज की कमी है किसी ने तेरा अपमान किया है किसी ने तुझे कुछ बोला है तू तो क्यों रो रही है नाथ मुझे अंतर में कुछ दुख है क्या दुख है स्वामी मेरा जो भाई है वो मेरा भाई प्रतिदिन एक, एक एक अपनी पत्नी को छोड़ता है और तैतीसवें दिन वो दीक्षा लेने वाला है रोज एक का त्याग करता है आठ दस दिन हो गए हैं नाद अब मेरा भैया संसार छोड़ के साधु बनने वाला है इसीलिए मुझे ये रोना आता है वो कहते तेरा भाई कायर है कायर छोड़ना है तो एक साथ में छोड़ दे ये रोज एक एक का क्या झंझट है साथ में ही छोड़ दे अगर वीर है तो तेरा भाई तो कायर है कायर वो कहती है बोलना तो बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है इतना ही सुना पत्नी के मुँह से करना मुश्किल है और वो धन्ना वॉशरूम में से उठ के भाग गया कि चल आठों को ही मैंने आज से ही त्याग कर दिया तेरा भाई तो रोज एक एक छोड़ता है एक एक क्या छोड़ना मैं आठों को ही छोड़ देता हूँ और वो धन्ना साधु बन गया है ये है अपनी आर्य संस्कृति ये आर्य संस्कृति समर्पण की संस्कृति है अपहरण की संस्कृति नहीं है और वो तो निकला तो निकला और सालीभद्र को भी बुलाया अरे ये कायर ये रोज रोज एक एक की क्या झंझट डाली है छोड़ना है तो सबको छोड़ दे चल मैं जा रहा हूं तू भी आ जा वो जीजा के पीछे साला भी गया साला और जीजा दोनों ने दीक्षा ले ली और वो सालीभद्र मुनि मासक्षवण किया हुआ है किस को है आपको वो भद्र मुनि ने मासव किया था और मासम के पाने घूमते घुमाते वो राजग्रही नगरी में ही आ गए और परमात्मा को वो मुनि कहते हैं कि परमात्मन मेरा आज पारना है तो क्या मैं भद्रा माता के घर जाके पारना का लाभ दो परमात्मा ने कहा मिछा दुकड़म सालीभद्र ने कहा कि मेरा शमन का पारना है मैं गोचरी के लिए निकलता हूं तो परमात्मा ने कहा कि आज तेरी माँ की हाथ से तेरा पारना होगा मासिक का और सालीभद्र मुनि निकले परमात्मा ने कहा था कि तेरी माँ के हाथ से तेरा पारणा होने वाला है और घूमते घुमाते 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 जहां उसकी हवेली थी वहां पहुंच गए धर्मलाभ वो भद्रा माता के कानों में आवाज ही ना पहुंची दूसरी बार बोला धर्मलाभ होता है कभी कभी होता कि नहीं होता ऐसा आपके घरों में तो होने की शक्यता ही नहीं है हम धर्म लाभ दे और बाहर तैयार ही होते हो या आपके घरों में सक्यता थोड़ी होती है ऐसी कि बंद हो हमको वापिस आना पड़े होती है कि नहीं होती है एक कोई जवाब नहीं दे तो मजा नहीं आती मुझे आपके घरों में तो ऐसी सक्यता होती नहीं है वो तो पूर्व काल में ऐसी सक्यता हुआ करती थी वो दो बार तीन बार वो शाली मुनि ने बोला लाभ धर्म लाभ वो माता इतनी व्यस्त थी उन्होंने अपने पुत्रवतु को कहा था कि आज परमात्मा महावीर पधारे हुए हैं और वो परमात्मा महावीर के साथ शाली मुनि भी है हमको शाली मुनि के दर्शन करने के लिए जाना है और तैतीस की तैतीस वो लेडीज व्यस्त थी बत्तीस पुत्रवधु तैतीस सास इतनी व्यस्त थी इतनी व्यस्त थी कि उसको साली की आवाज ही नहीं सुना दी और साली मुनि बैक टू पेवलियन और रास्ते में एक गोवालन मिली और वो ग्वालियर ने कहा कि मुझे लाभ दीजिए मेरे पास जो ये गोरस है वो बिल्कुल आपको चले ऐसा है आप मुझे लाभ दीजिए और साली मुनि ने वोर लिया और वोर के आए वापिस परमात्मा को निवेदन किया लेकिन मन में एक शंका है कि परमात्मा ने कहा था कि आज का तेरा पारणा तेरी माँ के हाथ से होने वाला है लेकिन ये पाना तो ये गोवालण ने कराया है परमात्मा का वचन कभी भी मिथ्या नहीं होता है परमात्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही ही कहा है लेकिन ये क्या हो गया और परमात्मा के पास जाके पूछते हैं कि परमात्मन मैं गया था लेकिन वहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया वापिस आया रास्ते में ये गोवालन ने मुझे ये गोरस वोराया है परमात्मन तो परमात्मा क्या ठीक है पर परमात्मा आपने तो कहा था कि तेरी माँ के हाथ से होने वाला है शाली बिल्कुल ठीक है ये जो गोवालन है ना, वो तेरे पूर्व भाव की माँ है कि जब तू संगम के नाम के जीवन में जी रहा था और जो गोवालन थी वही गोवालन है वो अभी जीवित है तू तो मृत्यु के साली बत्र बन के मुनि बन के आया है और वही जो तेरे पूर्व की माँ वो पूर्व की माँ के हाथ से ही शाली तेरा पढ़ना हुआ है और शाली मुनि को आघात लगा कि ये संसार ऐसा संसार अब ये संसार में मुझे एक पल भी नहीं रहना है अब मुझे मोक्ष के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं और परमात्मा से पारा करके आज्ञा ली परमात्मा ने आज्ञा दीजिए राजग्रही की पाड़ी पे चढ़ के मुझे अनशन करना है अब ये संसार में मुझे रहना नहीं है कहां जाना था शाली को मोक्ष में जाना है हमको भी कहां जाना है आ, ये सामयिक करते हो ये प्रतिक्रमण करते हो तप करते हो ये पूजा करते हो मंदिर जाते हो दान करते हो कितना कुछ करते हो किस लिए करते हो हां? किस लिए करते हैं मोक्ष में जाना है मोक्ष में जाना है लेकिन मोक्ष किसको कहते हैं वो पता है मोक्ष की बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है जहां सास खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रह जाए वो संसार है और जहां सास बाकी रहता है और तमन्ना खत्म हो जाती है उसको मोक्ष कहते हैं हाँ तमन्ना खत्म करनी है कि सास खत्म करनी है तमन्ना खत्म करनी है ना तो बस अब तेले का दिन आ ही रहा है आ, बोलना तो बहुत होशियार हो देखो कितनी तमन्ना खत्म करनी है और वो साली चले गए राजगृह की पहाड़ी पे और वहाँ ध्यान लगा दिया ठाने नम मोने नम जाने नम परम बोसी रामी वो धक धग धकती शिला के ऊपर जाके शालीभद्र सो गए जिस शालीभद्र को फूल की सैया भी चुभती थी वो फूल की सैया में भी उसको आराम नहीं मिलता था वो शालीभद्र अब मुनि बनकर वो राजग्रही की पहाड़ियों के जाके शिला पे जाके लेट गए हैं दोपहर का धूप कड़कती है सूरज निकल गया है और वो जलती हुई शिला के ऊपर लेटे हुए है और इधर से वो साली की माँ अपनी पुत्र वधुओं के साथ परमात्मा महावीर के पास आए परमात्मा को वंदन किया और वंदन करके पूछते हैं कि साली मुनि को वंदन होगी परमात्मा कहते साली मुनि तो आपके घर से आके चले गए क्या कहते हो भगवान हां साली मुनि गोशी वोड़ने के लिए आए थे पर आप किसी ने सुना ही नहीं और बद्रा माता को जो कल्पांत हुआ एक कल्पना तो करो एक माँ बेटा घर पे आया माँ पहचान नहीं पाई और बेटा आहार लिए बिना वापिस चल गया वो माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी और उसकी पुत्र सब बेहोशों के नीचे गिर गए उसको भान में लाया गया और पूछा परमात्मा को परमात्मन अब वो साली मुनि के दर्शन कहाँ होंगे वो राजगिरी की पहाड़ी पे अनशन लेके बैठे जाओ वहीं। और मां अपनी पुत्र के साथ वहां पहुंची और साली मुनि को विनती करती है कि बेटा एक बार मेरे से गलती हो गई एक बार तो तू मेरे सामने देख इतने साल के बाद तू आया लेकिन मैं तेरे को पहचान नहीं पाई एक बार तो मेरी तरफ दृष्टि कर दे और साली मुनि ने सिर्फ एक बार माँ की तरफ यूं देखा और जैसे ही यूं देखा शास्त्रकार कहते हैं कि जो साली मुनि अगर सब थोड़े समय के लिए साधना करते और माँ की तरफ नजर ना करते तो वो साली मुनि सीधा मोक्ष में जाने वाले थे सिर्फ माँ के प्रति एक ही नजर करी है और एक नज़र के कारण साली भद्र मर करके सीधा सर्वार्थ विमान में जाके कर पहुंच गए कि जहाँ तैरिस सागरों पम तक उसको रहना पड़ेगा और फिर वहां से चिव कर मानव बनकर दीक्षा लेकर वो मोक्ष में जाएगा ये होता है स्वजन धुलन का पाप सिर्फ माँ के सामने देखा कोई विकार की दृष्टि तो नहीं होगी हाँ कोई दूसरी दृष्टि तो नहीं होगी माँ की तरफ सिर्फ इतना देखने से ही अगर संसार इतना बढ़ जाता है तो हमारी दृष्टि तो कहाँ नहीं होती हम किस दृष्टि से किसको क्या देखते हैं हमारा मोह किस चीज के ऊपर नहीं है हमारी क्या हालत होगी ये साली भद्रा स्वजन दुल्हन करने में निष्फल गए फेल हो गए और परिणाम स्वरूप तैस सागरोपम तक की झेल है ललाट पर मिल गई चाहे देवलोक का जीवन सुख का जीवन है लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही है चाहे वो सोने की बेड़ी हो चाहे वो लोहे की बेड़ी हो लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही है और ऐसा स्वजन धुलन करने में दूसरे कौन फेल हो गए और तीसरा होता है शरीर का धुलन। ये जो शरीर मिला है ना वो शरीर का कस निकालने के लिए मिला है ये शरीर से जितनी आराधना साधना हो जाए इसलिए ये शरीर मिला है ये देह देह में आसक्त होने के लिए नहीं मिला है ये देह देहातीत बनने के लिए मिला है लेकिन हमारी अक्कल वो एक छोटे बच्चे जितनी भी नहीं है वो मिंटू था होगा सात आठ साल का स्कूल में छुट्टी थी बारह बज गए थे और मिंटू को लगी थी भूख मिंटू ने मम्मी को कहा कि मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है मुझे खाना दे दे लेकिन खाना भी तैयार नहीं हुआ था बन रहा था मम्मी ने कहा कि मिंटू दस मिनट दस मिनट तो कुछ खेल ले तो कुछ दूसरा काम कर ले दस मिनट में खाना तैयार हो जाएगा मैं तेरे को दे देती हूँ मिंटू पहुँचा अपने रूम में ना जाने कहाँ से पचास सौ रुपया इकट्ठा हुआ था वो हाथ में आ गए और मिंटू अभी अभी ही साइकिल सीखा था और वो रुपया लेके मिंटू चला गया बाहर और एक साइकिल स्टोर पे गया पहले के ज़माने में एक किराया पे वो साइकिल ली क्योंकि पहले के ज़माने में ये साइकिल किराए पे मिलती थी मिलती थी कि नहीं मिलती थी हैं आज आपके पास साधन इतने हो गए हैं क्या अब ये कीरा ये कुरा ये की बात आपके बच्चे जानते भी शायद नहीं होंगे इतने साधन हो गए हैं लेकिन जितने साधन आपने घर में इकट्ठे किए हैं ना वो सभी साधन आपको सुख नहीं देता अभी तो संताप देता है पहले घर में एक लैंडलाइन फोन होया करता था अब जो लैंडलाइन फोन होता था शाम को किसी का फोन आता था परिवार के जितने भी सदस्य होते थे वो लैंडलाइन के पास खड़े रह के प्यार से बातें करते थे एक चाहना होती थी और आज वो लेडलाइन की तो कोई क्योंकि सबके पास मोबाइल ही है आपके घर के केंद्र में टीवी है और आपके जीवन के केंद्र में मोबाइल है ये दो को छोड़ के तीसरी कोई चीज है टीवी रखो तो कहां रखो साइड पे रखो के मिडल में रखो मिडल में किसकी -किस स्थापना होती है जहां मंदिर होता है तो मंदिर में जो मूल नायक होते हैं वो कहाँ होते हैं मिडल में होते साइड में नहीं होते हैं आपके घर में मिडल में क्या है मंदिर है कि टीवी है अगर कहते कि के नहीं मिडल में मंदिर रखो और टीवी साइड पे रखो तो क्या जवाब होता है वो लुकआउट लुकआउट नहीं आता है इसीलिए टीवी मिडल में और भगवान केंद्र में क्या है टीवी और फिर चाहिए मोक्स और जीवन के केंद्र में मोबाइल है कल ही मैंने पेपर पढ़ रही थी कल या परसों पक्का याद नहीं है उसमें एक छोटा सा समाचार था पता ही होगा शायद कि कोई फॉरेन की लेडी वो कोई टिकटॉक एप आती होगी वो एप में इतनी व्यस्त इतनी व्यस्त इतनी व्यस्त होती है कि ना घर वेले का ध्यान रखती है ना बच्चे का कुछ ध्यान रखती है इवन बच्चे का लंच बॉक्स भी भरने का उसके पास समय नहीं होता है जब उसको कहते तो वो मना कर देती है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं ना बच्चे का ध्यान है कि ना पति का ध्यान है कि ना परिवार का ध्यान है और उसके पति इतना बेचारे से त्रस्त हो गया कि वो पति को वो जो वूमन की होती है ना उसमें जाके फरियाद करवानी पड़ी कि मेरी पत्नी ए मोबाइल से इतनी नजदीक में इतनी चिपकी हुई है कि वो हमारे परिवार के बच्चे का किसी का ध्यान नहीं रखती सिर्फ मोबाइल 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 हाँ जिसके जीवन में मोबाइल केंद्र में है जिसके घर में टीवी केंद्र में है उसका जीवन क्या होगा वो साइकिल खरीदने गया अबिछानेपुर रेंट पे लेने के लिए गया और एक घंटे रेंट रेट पे लेके आया अब वो साइकिल घुमा रहा है बारह बज गए और मम्मी ने कहा कि चल मिंटू खाना तैयार हो गया है खाना खा ले क्या करेगा मिंटू हाँ क्या करेगा भूख लगी हुई थी अभी भूख नहीं है क्यों अभी भूख क्यों नहीं है भूख तो लगी हुई है भूख मीठी थोड़ी है कुछ खाया तो है नहीं लेकिन मिंटू को ये पता है कि आज तो पचास रुपया देके के एक घंटे के लिए ये साइकिल में किराए पे लेके आया हूँ अगर एक घंटे में मैं उसका कस ना निकाल लूँ तो मेरे रुपये बेकार हो जाएंगे इसलिए मम्मी कितनी भी आवाज देगी भूख चाहे मर्जी कितनी भी लगी होगी लेकिन वो मिंटू बारह बजे से पहले जब तक एक घंटा उसका नहीं होगा तब तक वो साइकिल छोड़ देगा चलाता रहेगा वो मिंटू की बात पता है कि एक घंटा वो साइकिल चलाता ही रहेगा एक मिनट भी पहला छोड़ के नहीं आएगा ना उसको खाने की परवाह है ना उसको भूख की परवाह है कुछ परवाह नहीं है सिर्फ साइकिल घुमाना वो ही उसका एक लक्ष्य है है ये पिंटू जितनी अक्कल भी हमारे में आ जाए ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाए ये परमात्मा ने भी तो परमात्मा के पास भी तो हम ये जीवन रूपी साइकिल लेके आए है रेंट के लिए कोई पचास साल की कोई साठ साल की कोई सत्तर साल की हम वो रेंट पे साइकिल खरीदी हुई है इस साइकिल का उपयोग कैसा है महाराज जी अठम तो करना है लेकिन महाराज जी अभी तबीयत ठीक नहीं है महाराज जी अठम तो करने की पूरी इच्छा है पर थोड़ी वीकनेस लगती है महाराज जी तो करना है पर ये टांगों में जोर नहीं होता है महाराज जी बहुत भावना है क्या करे महाराज जी कल उपवास किया था ना इतना सिर दर्द हुआ इतना सिर दर्द हुआ कि जिसका कोई हिस्सा भी नहीं इसीलिए अब मन नहीं करता लेकिन उसको कहने का मन होता है कि जितना सिर दर्द हुआ ना उतना तेरा उपवास सही हुआ है उपवास क्यों करते हैं ये शरीर में कुछ हाँ इस शरीर में कुछ घसारा महसूस होए इस शरीर से कुछ माया कम हुए इसीलिए तो ये तप करना है और शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जैसे वर्षी तप करते हैं तो बंदा युष्टु हो जाता है उसका उपवास का पता ही नहीं चलता अगर पता नहीं चलता है कि मैंने उपवास किया पर बिल्कुल एज इट इज मेरी लाइफ चल रही है तो शास्त्रकार कहते हैं कि तेरे को पता नहीं चलता तो पचास समझ समझे पचास खमासमन दे के भी यह शरीर को थकाना जरूरी है जब तक ये शरीर के ऊपर का ममत्व कम नहीं होगा तब तक की हुई तपस्या देहाती तो नहीं बनाएगी सिर्फ पुण्य का उपार्जन ही करवाएगी कर्म की निर्जरा नहीं करवाएगी परमात्मा की अंग रचना करते हो क्यों करते हो अंग रचना करते हो कि नहीं करते आ गए अंगिमंडल वाली है नहीं कोई मंडल वाली क्यों करते होगी टाइम पास अंग रचना क्यों करते हो समय हो गया है चलो सोच के जवाब देना वो हंस और परमहंस भी गुरु की इच्छा के बिना पढ़ने के लिए गए पकड़े गए वो अरिहंत परमात्मा का चित्र ड्रॉ हो गया था अब अरिहंत परमात्मा के चित्र के ऊपर कैसे जाना अब सोचते हैं कि क्या करें? जाना तो जरूरी है क्योंकि जो कुदरती होता है वो तो जाना ही पड़ता है कितने समय तक उसको रोकेंगे अब दोनों बुद्धि के कुशाग्र मालिक तो थे ही और उन्होंने कहा कि चलो एक काम करें और उसने जो परमात्मा का गला था ना वो गला के आगे तीन लाइनें ड्रॉ कर दी समझ में आया परमात्मा का जो गला था उसके आगे एक दो और तीन ऐसे तीन रेखाएं खींच दी अब वो जो चित्र था वो अरिहंत का न रहकर किसका बन गया गौतम बुद्ध का बन गया अब गौतम बुद्ध का चित्र देख के पैर तो नहीं रखा लेकिन क्रॉस करके चले गए क्योंकि कोई भी भगवान तो भगवान ही है क्रॉस करके चले गए और वो पंडितों ने देख लिया और अपने आचार्य के पास जाके क्या ये ऐसा करके ये ही है वो जैन साधु के जो भी हो तो क्या भी, भी रंगे हाथ नहीं पकड़े हैं उसको रंगे हाथ पकड़ना है तो ऐसा करना रात्रि के समय जब छात्र सो जाए वो जब गार्ड नींद में हो रात को बारह साढ़े बारह एक बजे जहां 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 जहां, जहां छात्र सोते हैं, उसके ऊपर रूम के ऊपर टिन ही लगा हुआ था तो ऐसा करना आप बारह साढ़े बारह बजे उस टिन के ऊपर बड़ा पत्थर जोर से फेंकना और तब पता चला जाएगा कि ये कौन है सब छात्र निद्राधीन हो गए थे और वो बौद्ध साधु ने जहां हंस और परम जिस कमरे में रहते अन्य छात्र भी थे वो उस टीन के ऊपर जोर से बड़ा पत्थर फेंका जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ ये आवाज सुनकर जो बुद्ध छात्र थे वो तो बोलने लगा बौद्धम बुद्धम शर्णमी लेकिन ये जैन थे और उसके मुंह में अचानक क्या निकल गया नमो अरिहंताणम और जैसे ही नमो अरिहंताणम निकला वो निश्चित हो गया कि ये और कोई नहीं यही है और उसके पकड़ने के लिए षड्यंत्र की रचना करते हैं वो कैसे पकड़े जाते हैं कैसे छूट जाते हैं जब भी होगा आगे भी चलेंगे आने वाली कल से अठम तप चालू है और परसों परमात्मा नेमनाथ दादा का जन्म कल्याणक है वो गिरनार तीर्थ के जिस तीर्थ को सुरक्षा के लिए आज गिरनार तीर्थ जो लाइट में आया है उसका कोई कारण हो तो एकमात्र कारण पूज्य पाठ हिमांशु शुरेश्वर जी महाराज के जिस महाराज ने अपने जिंदगी की आहुति देकर यह गिरनार तीर्थ को लाइट में लाया है वो हिमांशु शुरेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन काल दरम्यान हजारों की तादाद में उपवास किया है सो दो सौ पांच सौ सात सौ हजारों की तादाद में उपवास और आमिल किए हैं और तीर्थ को लाइट में लाया है उनकी सेवा करने के लिए पूज्य पाठ चंद्रशेखर शिष्य जी महाराज ने अपने ही शिष्य मुनि हेम को उनकी सेवा करने के लिए भेजा था और वो सेवा करते करते हिमांशु श्री महाराज ने एक बात की कि, कि हेम वल्लभ अब मेरा अंतिम समय है मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ वो मुनि कहते कि गुरुदेव मेरा गया आप मांगो मैं पुण्यशाली हूँ क्या आपकी इच्छा मेरे पास कुछ लेने की है आप बताइए गुरुदेव लेकिन उनकी जीप उठती नहीं है वो अंदर अंदर कुछ घबराते हैं संग भी खड़ा था और मुनि ने बहुत कहा तो गुरुदेव हेम हिमांशु शिश्वर जी महाराज ने ये कहा कि हेम वल्लभ और तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन ये गिरनार तीर्थ की जाहो जलाली के लिए ये गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए मेरी भावना है कि तू यावत जीव आयिल का तप कर अभी उम्र थी बत्तीस या पैंतीस साल की वो संघ वालों ने मना की कि गुरुदेव ठीक है 500 सौ अमिल करा लो हजार अमिल करा लो यावत जीव अमिल अभी बत्तीस के पैंतीस साल की उम्र है रहने दीजिए गुरुदेव और वो हेम वल्लभ कहता कि छोड़ गुरु और चले के बीच में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है मेरे गुरु है मुझे स्वीकार्य है गुरु का कहा कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहो मैं यावज जीव आइम बिल करूंगा और आज भी वो मुनीराज के आइम बिल चालू है एक मुनि अगर गिरनार तीर्थ की जाहो जलाली के लिए वो नियमनाथ परमात्मा की सुरक्षा के लिए अगर एक मुनि जावत जीव आइम बिल कर सकता है तो क्या हम एक तेला भी नहीं कर सकते हैं? वो मुनि क्या आज भी कभी गिरनार जाओ तो वो मुनि महाराज के दर्शन करना कि रोज गुरी गिरनार की यात्रा करते हैं एक दो बजे नीचे उतरते हैं और जो भरवाड़ क्या बोलते हो आप क्या 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 जो जो पशु पालन करता है ना पशुओं का पालन करता है सेफर्ड वो सेफड़ के घरों में झाके वो गोचरी लेके आते हैं दाल और रोटी और वो भरवाड़ भी जो है वो उनके इंतजार करते हैं कि कब मेरे भगवान मेरे घर पे आएंगे और कब मेरे भगवान मेरे घर से आहार लेके जाएंगे हैं कभी गिरनार जाओ तो ये मुनि के दर्शन करना और ऐसे गिरनार तीर्थ की परसों भाव यात्रा है तो वो भाव यात्रा करके हम अपने आत्मा को पावन और पवित्र बनाए और जो हमारा आत्मा अशुद्ध है वो अशुद्ध में से शुद्ध बने और शुद्ध में से शुभ बने इसी एकमात्र मंगलमय कामना के साथ मित्र क्या गया विरुद्ध कुछ भी बोला गया होती